तो आइए हम जानते हैं कि सीरियल नंबर आप कैसे बनाते होंगे। सबसे पहले एक तो तरीका यह है कि पहले आप एक लिखते हैं और फिर यहाँ पे दो लिखते हैं और एक दो को आप पकड़ते हैं, फिर उसको क्या करते हैं ऐसे ड्रैग कर देते हैं जहाँ तक चाहिए, तो सीरियल नंबर बन जाता है। तो एक ये भी तरीका है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें एक और भी सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि आपको एक लिख लेना है, ठीक है, और दो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, बस एक ही को पकड़ लीजिए यहाँ पे। बस आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा कर रखना है। ध्यान रहे कि कंट्रोल बटन को दबा कर आपको जरूर रखना है। तो कंट्रोल बटन को आप दबाइएगा तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक प्लस का आइकन आ रहा है, डबल प्लस का, एक छोटा सा एक बड़ा सा है। अब आपको क्या करना है, इसको अब ड्रैग करना है, कंट्रोल दबा कर ड्रैग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बन जाएगा। इसमें आपको दो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही लिख कर बस आपको कंट्रोल के साथ ड्रैग करना है तो ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक ड्रैग कर लीजिए। एक और तरीका है कि आपको वन लिखना है, लेकिन आपको आप कंट्रोल नहीं दबाना है, बस वन को ही क्या कीजिए यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, खींच दीजिए जहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए वहाँ तक खींच दीजिए। और फिर यहाँ पे आपको एक मेनू दिखेगा जो ऑटो फिल ऑप्शन के नाम से आता है, इसको आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिल सीरीज का। ध्यान रहे आपको फिल सीरीज कर देना है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये सीरीज में आ जाएगा यानी सीरियल नंबर बन जाएगा। ये तीन तरीकों से आप आसानी से सीरियल नंबर बना सकते हैं। अभी और भी तरीके, अभी दूसरे सीरियल नंबर के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये जो फर्स्ट वाला से आसान, ये दोनों है, इन दोनों में से किसी का भी आप यूज करके आसानी से सीरियल नंबर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अब 10 सेकेंड में, मान लीजिए ये तो छोटा मोटा 100 200 तक करना हो तो आप बना लेंगे, ऐसे ड्रैग भी कर देंगे, अपने डेटा को ड्रैग कीजिएगा तो बन जाएगा। लेकिन आपको मान लीजिए कि कहीं 10 लाख सीरियल नंबर बनाना हो, या मान लीजिए आपको खुद की ज़रूरत पड़ जाए, किसी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे आपको मान लीजिए 10 लाख सीरियल नंबर बनाने को मिल गया, तो आप 10 लाख सीरियल नंबर बनाने के लिए आप कब तक ऐसे ड्रैग कीजिएगा, आपको काफ़ी समय लग जाएगा। छोटे मोटे अमाउंट नहीं होती है, 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे मैंने यहाँ से पकड़ कर ऐसे ड्रैग करूँ, देखिए मैं कब तक यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो अभी ये 1000 भी नहीं बना हुआ है, अभी 1000 बना, फिर 2000, ऐसे लाख बनेगा, फिर दूसरा लाख, तीसरा लाख, काफ़ी समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों से बचना है, केवल 10 सेकेंड में हम जितना चाहें उतना सीरियल नंबर को हम लोग बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक टाइप कर लेना है, ठीक है ना। वन टाइप करने के बाद आपको बाहर क्लिक कर देना है और फिर आपको वन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक टाइप करना है और फिर एक बार माउस को बाहर क्लिक कर लेना है और फिर एक बार उसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको कीबोर्ड से दबाना है ऑल्ट ई आई एस। ध्यान रहे आपको क्या दबाना है, ऑल्ट ई आई एस दबाना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यह सीरीज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हैं तो एक और ऑप्शन मैं बताता हूँ, वहाँ से जाकर ये आप सीरीज का ऑप्शन खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये सीरीज खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू पूछ रहा है, स्टेप वैल्यू में आपको 1 ही रहने देना है और आगे जहाँ तक भी आपको सीरियल नंबर चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें 10 लाख चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 लाख कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप सीरियल नंबर रो में बनाना चाहते हैं या कॉलम में, ये ध्यान रहे आप रो में बनाना चाहते हैं सीरियल नंबर को या कॉलम में, तो हम कॉलम में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद बस आपको क्या करना है, ओके कर देना है। और बस देखिए 10 सेकेंड में ही क्या होगा, ये सीरियल नंबर बनकर रेडी हो गया। मैंने आपको समझाया तो 10 सेकेंड से थोड़ा अधिक समय लगा होगा, लेकिन आप अगर बनाएंगे एक बार समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 लाख तक सीरियल नंबर बना लेंगे। अगर आपको लास्ट सीरियल नंबर को देखना है तो आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाइएगा तो आप क्या आ जाइएगा यहाँ पे लास्ट नंबर, जो सीरियल नंबर का लास्ट रो है 10 लाख है, वहाँ आ जाइएगा। फिर आपको ऊपर जाना है तो वहीं कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप क्या कीजिए, अप एरो दबा दीजिए तो आप शुरू में आ जाइएगा, एक नंबर सीरियल नंबर या पूरे आपके कॉलम के शुरुआत में आ जाइएगा। फिर आपको डाउन में जाना है तो आप वहीं काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ भी डाउन एरो दबाइएगा तो भी आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी आ जाता है। बस ध्यान रहे कि अगर इसमें डेटा फिल रहेगा तो आपको कंट्रोल शिफ्ट का यूज करना है। अगर आप सीरियल नंबर को रो में बनाना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, वहाँ से रो को सिलेक्ट करना है। तो आइए आपको एक बता देता हूँ कि अगर आप ये शॉर्टकट आपको नहीं पता है तो ये कहाँ से आप सीरीज का जो ऑप्शन था उसको आप ओपन करेंगे। जैसे इसमें मैं फिर से एक और सीरियल नंबर यहाँ पे बना लेता हूँ आपको बताने के लिए। अगर आप अल्ट ई आई एस दबाइएगा तो भी वो आ जाएगा, अगर अल्ट ई आई एस आप भूल जाते हैं तो आपको जाना है यहाँ पे फिल
फिल में, फिल वाले ऑप्शन में जाना है, और फिल में यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको सीरीज का, तो सीरीज पे क्लिक कीजिएगा तो सेम वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि फिर वही चीज़ें करना है, यहाँ पे जितना आपको सीरियल नंबर बनाना हो उतना आप यहाँ से टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से रो में बनाना है या कॉलम में, कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा तो बन जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे वन नहीं लिखा हूँ तो अभी ये नहीं बनता, तो पहले मैं वन लिख लेता हूँ। वन लिखने के बाद आपको एक बार बार टाइप कर लेना है, फिर इस पर क्लिक कर लेना है, फिल में जाना है और फिल सीरीज पे क्लिक कर देना है, और अब यहाँ पे स्टेप वन में कोई वन रहने देना है, बाकी जितना सीरियल नंबर आपको चाहिए यहाँ पे उतना टाइप कर दीजिएगा, और यहाँ से रो या कॉलम जिसमें आपको सीरियल नंबर बनाना है उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। ये सीरियल नंबर चुटकियों में बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपको जाना है लास्ट नंबर सीरियल नंबर पे, अब कंट्रोल के साथ डाउन बटन दबाइएगा तो भी आप आ जाइएगा, फिर कंट्रोल के साथ अप बटन दबाइएगा तो आप एक नंबर पे आ जाइएगा। तो ये हुई सीरियल नंबर बनाने के कुछ तरीका। अब आपको मैं अब सिखाऊंगा, ये सभी आसान तरीके हैं और ये आपको कहीं भी काम आ सकती है, तो इसको आपको ध्यान से नोट कर लेना है आपको। अब हम लोग सीखेंगे इससे भी सबसे धांसू तरीका, जो कि ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आएगा, आपको सीरियल नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें क्या कीजिएगा, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर को बनाना सीखिएगा। बस आप यहाँ पे इधर कोई भी नेम लिखिएगा तो इधर टू आ जाएगा, इधर थ्री आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये चलेगा। तो आइए इसको हम लोग सीखते हैं कि कैसे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर को बनाया जाता है। तो आप क्या कीजिए, इसमें भी पहले आपको वन टाइप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको वन के नीचे वाले जो ये सेल है, इस सेल में आपको क्या करना है, फॉर्मूला को यूज करना है, जो कि एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। आपको इफ फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए, आपको इफ फॉर्मूला लिख लेना है और इफ फॉर्मूला को एक लॉजिक देना है, यहाँ पे लॉजिक टेस्ट मांग रहा है। लॉजिक में आपको देना है कि अगर ये वाला सेल जिसमें हम लोग आइटम का नाम लिखेंगे, तो अगर ये आइटम वाला सेल, ये वाला P3 वाला सेल अगर ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब उसमें एक सेल किसी भी ब्लैंक सेल को जीरो मानता है, जब उसमें हम लोग कुछ लिखेंगे तो जीरो से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक रहेगा। तो जैसे जीरो से ये बड़ा होगा तो अब वैल्यू ट्रू में हमें लिखना है कि अगर ये जीरो से बड़ा हो गया, यानी जैसे उसमें कुछ टाइप करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि ये ऊपर वाला जो वैल्यू है वन, इसमें हमें क्या कर देना है, प्लस वन कर देना है। जब भी इसमें कुछ भी टाइप हो तो ऊपर वाला जो वन है उसमें इसको अलग से एक और वन जोड़ देना है, तो ये टू आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको इतना करने के बाद क्या करना है, वैल्यू फॉल्स में क्या करना है कि अगर ऐसा नहीं हो तो ये ब्लैंक रहे। डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कीजिएगा दो बार, एक बार और डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक बार और डबल इन्वर्टेड कॉमा, दो बार आपको यूज करना है। तो इसका मतलब होता है एक्सेल में ब्लैंक सेल, अगर ऐसा हो तो इसमें ग्रेटर देन जीरो हो तो इसमें प्लस वन करे, अगर नहीं हो तो ये ब्लैंक छोड़ दे। बस इतना ही आपको करना है। अब क्या करना है, यहाँ से एंटर दबा देना है। बस यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाए थे, एक छोटा सा और काम करना है कि आप इस फार्मूला को जहाँ तक आप सीरियल नंबर को बनाना चाहते हैं ऑटोमेटिक, वहाँ तक आपको खींचना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। बस आपको फार्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं CPU लिख रहा हूँ और एंटर दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक इधर टू आ जाएगा। मान लीजिए मैं SMPS लिखूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटर करने पे थ्री आ जाएगा। मैं माउस लिखूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फोर आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कीजिएगा, इधर वाले सेल में कुछ भी टाइप कीजिएगा तो इधर क्या होगा, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आता रहेगा। तो ये थी दोस्तों ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बनाने का तरीका, जो कि मैंने बहुत आपको आसानी से समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया।